अमेंडमेंट बिल 2024 की। भले ही वक्त संशोधन बिल फिलहाल जेपीसी के हवाले है, लेकिन बिल को लेकर सड़क पर भी संग्राम जारी है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध और समर्थन में अब क्यूआर कोड वॉर शुरू हो चुका है। एआईएमआईएम के नेता जहां वक्फ बिल के विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठन एआईएमआईएम को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। पूरी खबर आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे कैसे क्यूआर कोड पर अब ये जो लड़ाई है वो पूरी सामने खुलकर आ गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतरी एआईएमआईएम। वक्फ बिल के विरोध में इलाके में पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। बिल के विरोध में क्यूआर कोड वाले पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध में वोट करने की बात कही जा रही है। क्यूआर कोड स्कैन करें और बिल का विरोध करें। एआईएमआईएम की तरफ से ये देखिए पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, इसमें क्यूआर कोड भी है और उसमें देखिए मुस्लिम समुदायों को दरअसल ये एकजुट करने की कवायद है। वक्फ के संशोधन के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी को एकजुट करने के लिए इस तरह के क्यूआर कोड जो है तेजी के साथ व्हाट्सएप पर, बाकी जो सोशल साइट्स हैं वहाँ सर्कुलेट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जबलपुर में तो बाकायदा इसके लिए पोस्टर निकाला गया है जिस पर वो स्कैनर भी लगा हुआ है, क्यूआर कोड लगा हुआ है, और कहा गया है कि क्यूआर जो कोड है उसे स्कैन कीजिए और उस पर इसका विरोध कीजिए। एआईएमआईएम के नेता और पार्षद गली मोहल्ले में घूम घूम कर वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। एआईएमआईएम इलाके के लोगों को क्यूआर कोड स्कैन कर बिल के खिलाफ उनका विरोध दर्ज कराने को कह रहे हैं और लोगों के जहन में ये घोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बिल कानून बन गया तो इससे आम मुसलमानों को मुश्किल होगी। हमारे बैरिस्टर साहब भी इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मजम्मत करने के लिए हम सबको जागृत कर रहे हैं ताकि इस क्यूआर क्यू के माध्यम से लोग इस कानून की मजम्मत करेंगे। बार कोड में ये है कि इस कानून में जो एक्ट आया है उस एक्ट के खिलाफ है, मतलब हम लोग नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो। जो वफ की ज़मीन हैं वो वफ की रहें, इसीलिए इस कानून का पुरजोर विरोध है और पुरजोर मजम्मत करते हैं हम इसकी कि ये हम नहीं चलेगा यहाँ। इसीलिए हम घर घर जाके और क्षेत्र में घूम घूम के गली होटल टपरों में सब जगह जा जाके और ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि इसमें आप स्कैन करें और इस कानून के विरुद्ध, इस कानून के खिलाफ सब लोग स्कैन कर करके अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड हो रहा है। गुजरात के गांधीनगर से एआईएमआईएम को जवाब मिला है। एआईएमआईएम के पोस्टर के बदले यहां भी पोस्टर लगाए गए, क्यूआर कोड वाले पोस्टर जारी कर लोगों से अपील की गई वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग की। तो जरा देखिए, एक तरफ मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए जहां क्यूआर कोड एआईएमआईएम की तरफ से और तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, तो वहीं अलग अलग जगहों पर अलग तस्वीर सामने आ रही है। जहां गुजरात के गांधीनगर में अब हिंदू समुदाय के लिए क्यूआर कोड वाले पोस्टर जारी कर लोगों से वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग की अपील की गई। मतलब वक्फ बिल को लेकर लड़ाई देखिए कितनी रोचक होती जा रही है। जेपीसी में मामला है, वक्फ बिल के समर्थन और विरोध में क्यूआर कोड अभियान चलाया जा रहा है जिसका कोई असर जेपीसी के अंदर नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ समुदायों को एकजुट करने, मतलब मुस्लिम समुदाय को एक साथ भरमाने बरगलाने के लिए इस तरह के क्यूआर कोड के जो पोस्टर है वो चिपकाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ गुजरात में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के लिए ये क्यूआर कोड का स्कैनर लगाया गया है। वक्फ संशोधन के खिलाफ जहां एमपी के जबलपुर में एआईएमआईएम के नेता क्यूआर कोड चला रहे हैं, तो वहीं वक्फ बोर्ड के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ता गुजरात के गांधीनगर में क्यूआर कोड वाला जो पोस्टर है वो चस्पा कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और सिर्फ पोस्टर से नहीं, आप इसको ऐसे भी समझिए कि हो सकता है कि आपके पास भी, आपके भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, कई सारे सोशल साइट्स को आप फॉलो करते होंगे, आपको भी ऐसे क्यूआर कोड आए होंगे समर्थन में या फिर विरोध में वोट करने के लिए। और मकरंद काले हमारे साथ, हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। मकरंद, बहुत तेजी के साथ ये क्यूआर कोड वाला जो की जो लड़ाई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एक कदम और आगे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता बढ़ गए हैं, जहां जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। क्या अपडेट इसको लेकर, क्या इन पोस्टरों को हटाने की कोई कार्रवाई की जा रही है स्थानीय प्रशासन की तरफ से? देखिए, जब ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके बाद तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर यह फैसला लिया गया था कि वक्फ संशोधन बिल जो कि जेपीसी में है, उसका विरोध करने के लिए क्यूआर कोड लगाए जाएंगे मस्जिदों के बाहर। तो मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड लगाने की बात हुई थी और अपील की गई थी मुस्लिम संगठनों के द्वारा कि इसका विरोध करना है, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना है। अब इसको एक कदम और आगे बढ़ाकर ले गए एआईएमआईएम और उसने जगह जगह पर मकानों के बाहर और दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए जबलपुर में। तो जाहिर है केवल जबलपुर ही नहीं, और भी जगहों से इस तरह की खबर आई है। और उसके बाद
कई हिंदूवादी संगठन भी एक्टिव हो गए, उन्होंने गणेश पांडालों के बाहर पोस्टर्स लगाने शुरू किए कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आप अपनी राय दीजिए। तो ये जो एक जेपीसी के पास एक मुद्दा गया है वक्फ संशोधन बिल का, उसका हम राजनीतिकरण देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम संगठन इसको लेकर के एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर उसके कॉम्पिटिशन में फिर हिंदू संगठन आ जाते हैं और वो एकजुट बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना है या नहीं रोकना है, ये तो प्रशासन तय करेगा, पोस्टर्स हटाने हैं या नहीं हटाने हैं। लेकिन लोगों के बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चाएं जरूर छिड़ गई हैं कि अगर एक पक्ष उसके खिलाफ इतनी तेजी के साथ एकजुट होकर आगे आ रहा है तो दूसरे पक्ष को भी आगे आना चाहिए। तो ये राजनीति अभी इस समय शुरू हो गई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, और आज चूंकि जुमे का दिन है तो आज भी ये संभावना है कि जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें या अपील सामने आए कि वक्फ संशोधन बिल का या तो आप अपोज करिए और हिंदूवादी संगठन या इसके पक्ष में जो लोग हैं वो कहेंगे फैलाने की कवायद है, भ्रमित करने के लिए और संशोधनों के नाम पर कुछ भी मुस्लिम समाज के लोगों के दिमाग में जहन में भरने की ये कोशिश है। मकरन बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।